लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत खोलने के बाद खाने में शामिल करें ये चीज़ें, दूध बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल करवा चौथ के 4 दिन बाद महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चे की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए करती हैं। करवा चौथ के व्रत की तरह महिलाएं इस दिन भी निर्जला व्रत रखती हैं ताकि उनके बच्चों की उम्र लंबी हो और उन्हें भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। कई महिलाओं के लिए हर साल ये व्रत करते हैं। इस साल का अहोई अष्टमी व्रत पहली बार होगा। निर्जला व्रत रखना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए व्रत काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन सारा दिन बिना पानी के रहने के बाद अचानक खाना खाने पर आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अहोई अष्टमी का व्रत खोलते समय महिलाओं को क्या खाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर दूध उत्पादन के लिए व्रत खोलने के बाद सबसे पहले खुद को हाइड्रेटेड करने की कोशिश करें। इसके लिए आप खूब सारा पानी पिए, नारियल पानी पिए या घर का बना जूस पिए। संतुलित भोजन करें। व्रत खोलने के बाद प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करें, जैसे आप साबुत अनाज, रोटी या ब्राउन राइस, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, पनीर, अंडे या लीन मीट, और स्वस्थ वसा, घी, मेवा, सीड्स खाएं। अपने डाइट में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। आप दही, तिल, पत्तेदार साग या फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड दूध जैसे कैल्शियम स्रोतों का विकल्प चुन सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, फलियां, चुकंदर आदि का सेवन करें। उपवास के बाद पाचन को बढ़ावा देने के लिए सेब, नाशपाती जैसे फल और गाजर या खीरे जैसी सब्जियों का सेवन करें। व्रत खोलने के बाद हेल्दी स्नैकिंग के तौर पर भुने हुए मखाने, ड्राई फ्रूट या सीड्स का सेवन करें जो आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताएं अपनी व्रत खोलने के लिए हैवी फूड खाने से पहले कुछ हल्की स्नैकिंग करें ताकि आपको अचानक भारी महसूस ना हो और खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही ऐसी कोई चीज़ों का सेवन करें जो बच्चे को सही पोषण देने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन में मदद कर सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।